आज का वीडियो में बताएंगे इस चाइना हुंडा वाटर पंप का क्या प्राइस है, कहाँ मिलता है और हुंडा वाटर पंप से क्या डिफरेंस है और कितना सर्विस देता है। इस छोटा सा वीडियो में मेन चीज आप लोगों को बताएंगे, तो चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प MK। आज आपको बताएंगे इस वाटर पंप के बारे में। ये चाइना वाटर पंप है, सभी लोग इसको चाइना हुंडा वाटर पंप कहता है, लेकिन ये हुंडा नहीं है, चाइना वाटर पंप है। इसका प्राइस कम होता है, बहुत प्राइस कम होने के लिए ज़्यादातर ये वाटर पंप चलता है। और इसका कैपेसिटी है, ये 25 फुट नीच से पानी खींच लेगा, ये इसका जो सक्शन कैपेसिटी है, और ये 3 इंच पानी खींचेगा और 3 इंच पानी डिलीवरी देगा। और ये वाटर पंप बोरवेल से या सेलो से पानी खींच ले पाता है, या पुकुर से, हमारे यहाँ पुकुर कहता है लोकल भाषा में, जिसको तालाब कहते हैं, उससे पानी खींच लेगा, डोबा से, नदी से, कहीं से भी ये पानी खींच ले पाता है। लेकिन इसका वाटर लेवल 25 फुट के अंदर रहना चाहिए। इसका सक्शन कैपेसिटी आप लोग को बताया, 3 इंच सक्शन कैपेसिटी है और पानी 3 इंच का इसका डिलीवरी कैपेसिटी है। और ये वाटर पंप केरोसिन से चलता है, पेट्रोल से स्टार्ट होता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट करता है जो केरोसिन नहीं मिल रहा है तो किससे चलाएं। तो देखिए, हुंडा वाटर पंप हो या चाइना वाटर पंप, अब केरोसिन नहीं मिलने पर पेट्रोल से चला सकते हैं। केरोसिन टैंक पर पेट्रोल डाल देने से ही चलेगा और कुछ नहीं करना होगा। अब बताते हैं इस चाइना वाटर पंप का क्या प्राइस है। तो इसका प्राइस है 7,500 रुपया, और इससे कम दाम पर भी मिलता है, ज़्यादा दाम पर भी मिलता है। 7,000 से चालू होता है स्टार्टिंग प्राइस, 9,000 तक प्राइस हो सकता है। और ये मिलता कहाँ है, कहीं पर भी मिलेगा जहाँ पर मशीनरी दुकान है, मशीनरी का दुकान पर ये मिलता है, इसका कोई डीलर नहीं होता है। और इसका पार्ट्स भी मिलता है, अवेलेबल सभी जगह पर पार्ट्स मिलता है। और ये वाटर पंप सबसे ज़्यादा चलता है कम प्राइस होने के लिए, और इस वाटर पंप का कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलता है। और हुंडा जो वाटर पंप होता है उसका गारंटी वारंटी भी मिलता है, लॉन्गजीविटी भी ज़्यादा होता है। और हुंडा वाटर पंप का प्राइस अप्रॉक्स 24,000 होता है। हुंडा पंप का डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और हुंडा वाटर पंप प्राइस ज़्यादा होता है इसीलिए कम चलता है, लेकिन आपका लॉन्गजीविटी की बात करें तो हुंडा ही सही है, और उसका 20-25 साल तक चलता है रिपेयरिंग कर करके। लेकिन चाइना जो ये वाटर पंप है इसमें इतना दिन तक नहीं चलेगा, मान लीजिए 2-3 साल बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर फेंक देना पड़ता है चाइना वाटर पंप को। और हुंडा जो वाटर पंप होता है वो सालों साल चलता है। और ये चाइना वाटर पंप पे सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आता है, इंजन ऑयल बढ़ जाता है, केरोसिन और इंजन ऑयल एक साथ हो जाता है, यही इसका मेन प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम आता है, लोड पर ये बंद हो जाता है, थोड़ा पुराना होने पर लोड पर बंद हो जाता है, यही इसका मेन डिफेक्ट है। दोनों डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट हुंडा वाटर पंप पर नहीं होता है। और देखिए, इस पेटी से इसका पैकिंग होकर आया था, केरोसिन वाटर पंप लिखा हुआ है, तो ये पैकिंग कोई भी लेवल पर हो सकता है, ये बाहर से आता है चाइना से और पैकिंग यहाँ पर होता है, तो कोई भी कंपनी नाम लिख के दे देता है, मार्केट पर आ जाता है। और ये वाटर पंप का सर्विस बताते हैं, ये 1 लीटर केरोसिन पर अप्रॉक्स 2 घंटा चल जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ये चाइना वाटर पंप हल्का होता है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, इसका वेट होता है अप्रॉक्स 27 kg से 28 kg तक। और हुंडा जो वाटर पंप होता है वो भी हल्का होता है, 27 kg से 28 kg उसका वेट होता है। और इसमें मिलता है ऑयल अलर्ट, अब ऑयल अलर्ट काम क्या है वो बता देते हैं। अगर आपका इंजन पर इंजन ऑयल नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाएगा। इस चाइना वाटर पंप पर भी मिलता है, हुंडा वाटर पंप पर भी मिलता है। और ये चाइना वाटर पंप रिकॉल से स्टार्ट होता है, मतलब रस्सी से टानने से ही स्टार्ट होगा। और एक आता है चाइना वाटर पंप हैंडल से स्टार्ट होता है, रिकॉइल से हुंडा भी स्टार्ट होता है, टानने से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाटर पंप का बारे में बताया, और हुंडा वाटर पंप और ये चाइना वाटर पंप का वीडियो देखना चाहते हैं फील्ड पर कैसे चलता है, तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।